हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, एक जॉब निकल के आ रही है जो कि 2 नवंबर मतलब आज ही से अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ ये जल्दी आप लोगों को नोटिस मिल जाए। तो हमारा तरफ से ये कोशिश है, या आप लोगों को कुछ भी सोल्यूशन या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ज़रूर कॉमेंट कीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को वेबसाइट दिख रहा है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं IBPS का जॉब, बैंकिंग में जॉब। तो यहाँ पर देख सकते हो, आगे क्लिक है टू व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर CRP SPL X मतलब न्यू। यहाँ पर एक नोटिस रिलीज हुआ है जो कि एक PO SO का एक नोटिस है। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में बताएंगे कि कौन सा टाइप का ये जॉब होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और सैलरी भी कितना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी तक आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल करके रखिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं आपके पास सबकी सबसे पहले नोटिस पहुँच जाए। तो यहाँ पर ये जो PDF डाउनलोड हो गया, यहाँ पर 34 पेजेस का ये PDF है। तो यहाँ पर देख के बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो एक शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जो आप लोगों के लिए चाहिए जानना ज़रूरी है ये आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो IBPS CRP 1 Specialist Officer रिक्रूटमेंट 2020 इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन। यहाँ पर पोस्ट नेम की बात करें तो IT Officer एग्रीकल्चर फील्ड है, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, तो मतलब बहुत सारा पोस्ट का इन्होंने फॉर्म निकल के आ रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये भी देख लेंगे। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ऑनलाइन में आप लोग को एप्लीकेशन करना है। जनरल OBC के लिए 850 रुपये फ़ी हो जाता है यहाँ पर, 850, एंड SC ST PA 1 Serviceman के लिए 175। आप लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी आप लोग ऑनलाइन में भी पेमेंट कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, या आप लोग ई चालान ऑफलाइन में डायरेक्ट चालान भी काट के पेमेंट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग डेट 2 नवंबर और लास्ट डेट 23 नवंबर। 23 नवंबर इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, फी पेमेंट का 23 लास्ट डेट है ऑनलाइन का और ऑफलाइन का भी। और प्री एग्ज़ाम डेट उन्होंने बताया है दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। इसका दो एग्ज़ाम होता है, एक प्री होता है, एक मेंस भी होता है, ठीक है। जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है उसका बाद मेन एग्ज़ाम होता है। तो दिसंबर में लास्ट वीक में यहाँ पर एग्ज़ाम इन्होंने बताया है, दिसंबर में उसको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग क्वालिफाई करते हो प्री में, तब मेंस होगा, मेन एग्ज़ाम होगा 24 जनवरी। तो जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, ऑल ओवर इंडिया, सबको पता है ऑल ओवर इंडिया होने वाला है ये जॉब। मिनिमम जो एज लिमिट है इसका 1 नवंबर 2020 में 20 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर। और ST ST के लिए 5 साल छूट रहता ही है सबकी जॉब, सब जॉब में, और OBC के लिए 3 साल छूट। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 647 पोस्ट है टोटल। IT Officer के लिए यहाँ पर 20 पोस्ट है। एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ रहा है जो कि है 485 पोस्ट। और राजभाषा अधिकारी स्केल 1 के लिए 25 पोस्ट, लॉ ऑफिसर के लिए 50, HR पर्सनल ऑफिसर के लिए 7 पोस्ट है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 60 पोस्ट। पे स्केल इन्होंने बताया नहीं, आई होप कि ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये ग्रेजुएशन का डिग्री का पे स्केल है। तो IT Officer के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या, लॉ के लिए क्या, सभी इन्होंने बता दिया है डिटेल्स में। IT Officer मतलब जो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग में फील्ड में आप लोग ग्रेजुएशन करके रखे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आप लोगों को कैंडिडेट हैविंग DOE ACC B लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और ठीक है एंड नहीं है क्योंकि कोई मतलब किसी का पास इंजीनियरिंग डिग्री है और ये नहीं है सर्टिफिकेट तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने वार्ड दे के रखा है। एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बात करें तो आप लोग बैचलर डिग्री जो होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल मार्केटिंग, कॉरपोरेशन, बैंकिंग, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी में किसी के पास बैचलर डिग्री है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री इन हिंदी, हिंदी में आप लोग मास्टर डिग्री करके रखो या संस्कृत विथ इंग्लिश सब्जेक्ट बैचलर लेवल
मतलब आप लोगों को मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या संस्कृत विथ इंग्लिश में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लॉ ऑफिसर यहाँ पर कैंडिडेट है बैचलर डिग्री इन एल एल बी जो कोर्स होता है, मतलब लॉ का जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है बैचलर डिग्री होता है वो करके कोई रखा है, तो आप लॉ ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हो। और एचआर पोस्ट या पर्सनल ऑफिसर जो होता है, बैचलर हैविंग डिग्री चाहिए आपको, मास्टर डिग्री चाहिए या फुल टाइम मास्टर डिग्री टू या इसका फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, कोई डिप्लोमा करके रखा है मैनेजमेंट का कोई स्टूडेंट है या इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोई स्टूडेंट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, मार्केटिंग ऑफिसर की बात किया तो यहाँ पर मार्केटिंग जो आप लोगों को पता है मार्केटिंग का डिग्री जो होता है एमबीए होता है बीबीए होता है, तो कोई बैचलर डिग्री करके रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है बैचलर ऑफ एप्लीकेशन मास्टर डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एप्लीकेशन जो होता है कोई करके रखा है, तो आप मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग अप्लाई कैसे करोगे, हम लोग ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे ऑफिशियल वेबसाइट का। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फोटोग्राफ चाहिए यहाँ पर बता दिया 4.5 हाइट एंड विड्थ यहाँ पर बता दिया है 3.7, सिग्नेचर चाहिए लेफ्ट टर्म इंप्रेशन हैंड राइट रिटर्न डिक्लेरेशन, और आप लोग का जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट में आप लोग अप्लाई करो उसका क्वालिफिकेशन भी चाहिए। एमसीक्यू आप लोगों को दिया जाएगा यहाँ पर, एग्जाम भी इन्होंने बताया है लॉ फॉर ऑफिसर लॉ एंड राजस्व अधिकारी पोस्ट एप्लीकेशन के लिए एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। आप लोगों को टोटल 125 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 120 मिनट्स मतलब 2 घंटा आपको टाइम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जीए बैंकिंग नॉलेज टॉपिक, तो कोई मैथ नहीं है, ठीक है, इंग्लिश रीजनिंग जीए जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग नॉलेज टॉपिक, तो बैंकिंग तो रहेगा क्योंकि ये बैंकिंग का स्पेशली जॉब है। और बाकी सारे जो जॉब इन्होंने बताया आईटी सेल एचआर ये सब फॉर रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ आस, इसके लिए भी 125 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटा टाइम भी मिल जाएगा। इंग्लिश रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन्होंने कोई बैंकिंग नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए, बाकी सारे पोस्ट जो है क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश दे रखे है रीजनिंग, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मैथ भी पड़ता है। तो पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मतलब प्रीलिमिनरी होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद है, तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। तो ये इसका ऑफिशियल पीडीएफ भी है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।